नमस्कार स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड माटनर ब्रिज के सामने अजमेर। संभाग की एकमात्र एमडीएस यूनिवर्सिटी में आज कुलपति के पद पर कार्यवाहक कुलपति के रूप में ओम थानवी ने पदभार संभाल एमडीएस के अन्य स्टाफ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं पदभार संभालने के बाद कुलपति के द्वारा पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी, इसको लेकर के एक अलग तरह से कार्य करने को लेकर सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही परीक्षाओं को लेकर और उनके परिणाम को लेकर भी प्राथमिकता रहेगी। ईसीबी के अध्यक्ष ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के निलंबन के बाद सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी को अजमेर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आज थानवी ने विश्वविद्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अजमेर विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हुआ वह अफसोसजनक है और अब आगे ऐसे हालात ना बने, इसके लिए आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बीएम शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन जल्द होगा। देखिए, एक तो ये पदभार अस्थाई पदभार है, आप सब जानते हैं जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां इस विश्वविद्यालय के सामने दरपेश आई, तो शासन ने चाहा कि मैं इसका कार्यभार संभालूं अस्थाई तौर पे। तो स्थाई व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक के लिए ये बंदोबस्त है, एक टेम्प्रेरी व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो उसमें अस्थाई काम संभालने की अपनी सीमाएं हैं, तो बहुत नीतिगत जो चीज़ें हैं जो कुलपति आगे आएंगे उनको देखना चाहिए, वो तो मेरा काम नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय का रोज ब रोज का जो काम है वो सुचारू हो और आगे इस तरह की स्थितियां सामने ना आए जिनकी वजह से नीचा देखना पड़े, उसके लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या सिस्टम बन सकता है, क्या व्यवस्था निर्मित हो सकती है। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 50 की पार्षद श्रीमती शारदा देवी की ओर से उनकी जगह पूर्व पार्षद और कांग्रेस के पूर्व मुख्य सचेतक नौरत गुजर हाजिर हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वामी न्यूज के स्टूडियो में गुजर ने पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्य के विषय में जानकारी दी। वहीं वार्ड 50 के क्षेत्रवासियों से स्वामी न्यूज की टीम ने कार्यकाल के विषय में जानकारी ली। आइए देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अब हमारे पार्षद 24 घंटे एट एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी चले जाओ कोई सा भी काम लेके, चाहे एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आपका कोई भी समस्या है तुरंत समाधान करेंगे। अब व्यक्तिगत स्तर पे जाके ऑफिसों में जाके हमारे साथ हमारे लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विकास कार्य हो वो अभी भी आप देख सकते हैं, सड़क वगैरह भी जस्ट बनी ही है और अभी तक विकास कार्य हो रहा है। देखो, इस वार्ड में हमारे जोशी मैडम ने जो काम कराए हैं बड़े ही सराहनीय है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में भी मतलब अपना खुद की गाड़ी में खाना डाल करके और लोगों को वितरित करना, ये एक अच्छी बात थी इनकी। इनके जितने वर्कर थे सारे इस काम में लगे हुए थे लॉकडाउन के दौरान में भी, और विकास कार्य में तो इनका कोई सानी नहीं है। वार्ड 60 में, मतलब 60 वार्डो में अगर अजमेर के लोहाखान इलाके में मोबाइल टावर से निकलने करंट की चपेट में वहां मौजूद युवक आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और जैसे तैसे उसे करंट से अलग किया। गंभीर अवस्था में युवक को जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची, जिसने मौका मुआयना किया और समझाइश कर मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम नौरत सिंह है और वह लोहाखान का रहने वाला है। जब नौरत टावर के पास खड़ा था तब यह हादसा हुआ।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह लोहा खान टेम्पो स्टैंड पर सूचना मिली कि जियो का एक टॉवर लगा हुआ है जिसके नीचे कोई आदमी का बर्न हो गया। इस पर पुलिस मौके पर आई तो मालूम चला कोई नौरत सिंह नाम का व्यक्ति है जो इस जियो के टायर के पास आया था, जिसको कोई स्पार्किंग या किसी टेक्निकल। अलवरगेट थाना इलाके के क्षेत्रों में रहने वाले एक युवक और एक युवती के साथ अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी शातिर ठगों ने कर डाली। दोनों पीड़ित युवक और युवती अलवरगेट थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पहला मामला तानाजी नगर भजनगंज की रहने वाली सीमा लोहिया का है। इस मामले में जांच अधिकारी एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि 21 सितंबर को लोहिया अपने बैंक गई और बैंक में जमा राशि की जांच की तो उसमें करीब 1,78,000 रुपए कम थे। सीमा ने बताया कि उसका एटीएम भी बंद है और एसएमएस सुविधा भी बंद है, तो ऐसे में उनके खाते से रुपए किसने निकाल लिए। सीमा को शक है कि बैंक अधिकारियों ने बिना उसकी जानकारी के उसके खाते से रुपए निकाले हैं। सीमा ने अब अलवरगेट थाने में बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये दिनांक 21/9/2020 को कुमारी सीमा लोहिया ने थाना पर निवासी तानाजी नगर भजनगंज ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा एटीएम सुविधा भी बंद थी और मेरी एसएमएस सुविधा भी खाते से बंद थी, तो मैं बैंक में अपना बैलेंस चेक करने की पासबुक नहीं बनवाई उसमें चुना, तो बैलेंस मेरा उसमें पास में गम था, तो वो मेरा 1,78,400 रुपये बैलेंस में कम थे जो किसी द्वारा धोखाधड़ी करके बैंक से निकाल लिए गए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज होकर के अनुसंधान किया गया। दिनांक 21/9/2020 को भानु प्रताप सिंह निवासी आर के पुरम कॉलोनी भजनगंज अजमेर द्वारा थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मेरे पास एक जान पहचान बता करके अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया कि तुम्हें फ़ोन पे पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैंने मेरे पास उसका यूपीआई स्कैन कोड आया मोबाइल पे, जिसके मैंने उसको स्कैन किया तो मेरे चार। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए चार आरोपियों को लैपटॉप और मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है। इन दिनों चल रहे क्रिकेट आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए दरगाह थाना पुलिस ने हिंदू मोची मोहल्ले से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप और चार मोबाइल बरामद किए हैं। दरगाह थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह हड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स मैच में लाखों रुपए का सट्टा चल रहा था। मौके पर टीम बनाकर दबिश दी तो चार आरोपियों के पास से लैपटॉप और चार मोबाइल हिसाब की पर्चियां सहित 3,150 रुपए जब्त किए गए और आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कल रात को दरगाह थाना क्षेत्राधिकार के अंदर इतना मिली थी कि हिंदू मोची मोहल्ला में दुकान के अंदर क्रिकेट का सट्टा लगाया जा रहा है, जिसमें हमने एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। उनको मौके पर भेजा, जिन्होंने दबिश के दौरान मौके से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम मुन्ना अहमद असर। गंज थाना पुलिस ने नाबालिग से ज्यादती करने के आरोप में खरगेड़ी निवासी अजीत को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह ने बताया कि कल शाम को आरोपी अजीत नाबालिग के घर पहुंचा और वहां उससे ज्यादती करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से नाबालिग ने अपने आप को अजीत के चुंगल से बचाया। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गंज थाने में एक नाबालिग लड़की ने की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें आरोपी अजीत को हमने गिरफ्तार किया है। उसने जो दिए उसमें ये बताया कि उसने उसके साथ में कल शाम को उसके निवास स्थान के आसपास ज्यादती का प्रयास किया। उस पर हमने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, मुजरिम को गिरफ्तार किया जिसे कल न्यायालय पेश किया। सर कहां का रहने वाला है आरोपी? मुजरिम करेगरी करेगा। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा चालान काटने की व्यवस्था शुरू की गई है, मगर कुछ क्षेत्रों में जमादार की लापरवाही चालान काटने के द्वारा देखने को मिली। मामला जुड़ा है प्रकाश रोड नगरा क्षेत्र से। यहां पर गोयल पेंट्स की दुकान पर अकेले बैठे साहिल गोयल का जमादार कन्हैया लाल ने मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर चालान काट दिया। वहीं सबसे बड़ी बात यह सामने आई, इस दुकान पर वार्ड 32 और वार्ड 33 के जमादार ने एक बार 100 रुपए का और दूसरी बार 200 रुपए का चालान काट दिया। इस चालान काटने की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने नगर निगम के जमादार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भैया मामला यही है कि इस पे अकेला आदमी बैठा रहता दुकान पे, उसमें आ गए दुकान, चालान काट दिया, रसीद काट दी। उसके बाद हमने बोला कि अकेले आदमी की रसीद काटने का नॉर्म्स तो बताओ आप मेरे को कि है या नहीं है। तो बोले कि हमको तो काम दे रखा है, हमको तो
काम करके देना है इनको, केवल रसीदें काट के देनी है नगर निगम वालों को। दो रसीदें इस पे मैंने रसीद पे मैंने इसको ये कहा कि अगर तुम इस पे लिख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण काटी रसीद, तो अकेला आदमी क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेगा। इसके साथ साथ अजमेर में बरसों से चले आ रहे कार्यक्रमों पर अब कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आने वाले महीने में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। नगर निगम की ओर से दशहरा महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से होता था, जिसके अंतर्गत नवरात्रों में डांडिया रास का भी आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार शहरवासियों को इन महोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा और ना ही कोई मनोरंजन होगा। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रालावता ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और धारा 144 की पालना में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि निगम शहरवासियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करवाता था, लेकिन इस बार सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में पटेल मैदान में होने वाले रावण के पुतले का दहन भी इस बार नहीं होगा। देखिए, ये जो नगर निगम के द्वारा हर वर्ष दशहरा महोत्सव मनाया जाता था, जिसके तहत जमा रंगमंच में रामलीला होती थी, आपका पटेल स्टेडियम में गरबा का 9 दिन डांस होता था, माता की मूर्ति की स्थापना की जाती थी, और साथ ही रावण दहन के लिए जो दशहरे के दिन रावण के पुतले मेघनाथ रावण। राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से आज पूरे राजस्थान में सभी तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए गए हैं और ज्ञापन के जरिए अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया है। पुष्कर ब्लॉक में भी यहां पर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार रामकिशोर शर्मा को ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 मांगें की गई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शामिल करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी मांग ये भी है कि जो मार्च महीने में 16 दिन का वेतन स्थगित किया गया था, उसके अलावा जो प्रत्येक माह 1 दिन का जो पेमेंट काटने की बात की जा रही है, उसे भी शिक्षक स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा भी और कई मांगे हैं जिसको लेकर आज शिक्षकों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। पुष्कर से दिलीप नागर साथ सीताराम पारा से स्वामी पंचायती राज कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे राजस्थान में प्रदेश स्तर पर हमारा एक आज 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में ज्ञापन देने का जो निश्चित समय था ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, तो हमने हमारा जो मेन मुद्दे हैं 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है, कोरोना महामारी के तहत जो मार्च माह में हमारा 16 दिन का जो वेतन काट कर इन्होंने स्थगित कर दिया, तो उसको स्थगित करके हमें पुनः उसके वापस करें और प्रतिमाह जो वेतन काटने का इन्होंने आदेश दिया है उसको वापस करके हमें उस पर राहत दिलाए। दूसरा हमारा मेन मुद्दा है कि जो समय शिविर के अनुसार जो समय 10 से 4 किया जा रहा है, अभी बच्चे भी नहीं हैं और टीचरों को 10 से 4 बुलाकर क्या किया जाएगा, तो जो हमारा समय अभी यथावत है उसको किया जाए। और तीसरा जो हमारा मेन मुद्दा है, जो अभी ट्रांसफर फॉर्म खुले हैं, तो उसमें जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को बन मित्र लगातार अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देके ना केवल प्राणी मात्र के जीवन को बचा रही है, वहीं लोगों को भयमुक्त करने का प्रयास भी कर रही है। टीम की ओर से लगातार कई ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में पुष्कर के 2 अलग अलग क्षेत्रों से 2 गोइरा पकड़े गए हैं। पहला जो गोइरा पकड़ा गया है वो जो सारस्वत धर्मशाला के पास से, जबकि दूसरा गोइरा संतोषी माता की टाणी के पास से पकड़ा गया है। तो टीम ने दोनों ही गोइरा को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा है और लोगों को राहत प्रदान की है। पुष्कर से भी सीताराम पारकर स्वामी जी। सर, आज एक फ़ोन आया था चिरंजीलाल कुमावत के पास, राजेश जी शर्मा के मकान में एक गोइरा देखा गया था छत पे, फिर उसको ढूंढा करा 15-20 मिनट की रेस, वो उसके ढूंढने के बाद में वो मिला, फिर उसको हमने वहाँ काबू करके अभी जंगल में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया जी। आज पुलिस मित्र टीम द्वारा 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें से एक सारस्वत धर्मशाला के पास राजेश शर्मा जी के घर से एक 1.5 फीट लंबे गोइरा को पकड़ा था, और साथ ही एक दूसरा रेस्क्यू हमने ब्रह्मा मंदिर के पीछे संतोषी माता की ढाणी के पास सिमरन रेस्टोरेंट से किया, जहां करीब 3 फीट लंबा एक गोइरा पकड़ा, और दोनों को ही वन विभाग के अधिकारियों की अनुमति। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर,
जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।